सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब दोस्तों। आज हम आपको बता रहे हैं स्वर्ण बंग के बारे में। ये स्वर्ण से अलग होती है, लेकिन इसकी चमक स्वर्ण की तरह होती है, बहुत चमक होती है इसकी। दोस्तों, इसके गुणों के बारे में बताऊंगा, इसका सेवन विधि क्या है और कैसे कैसे रोगों में ये काम करती है। इसको जानने के लिए आप पूरी वीडियो देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। ये बहुत अच्छी औषधि है, जो आयुर्वेद की बहुत ही प्रसिद्ध औषधि है। दोस्तों, ये जो स्वर्ण बंग है, ये आयुर्वेदिक शास्त्रों में इसका वर्णन है, ये शास्त्रीय योग है। तो ये बहुत सी कंपनियां बनाती हैं। अगर दोस्तों किसी वैद्य से आप बनवा लें तो ज़्यादा अच्छा है। इसके रिज़ल्ट फिर वैसे ही आएंगे जैसा कि ग्रंथों में लिखा गया है। कंपनी अपने फ़ायदे के लिए वो पूरा रिज़ल्ट नहीं दे पाती हैं। तो दोस्तों, हम जानते हैं इसके क्या गुण हैं। दोस्तों, ये स्त्री पुरुष रोगों के जो गुप्त रोग होते हैं, दांत, स्वपनदोष, लकोरिया, नमर्दी, बांझपन, वीर्य के जो पस्सल बढ़ जाते हैं, वीर्य की जो इन्फेक्शन होती है, यूटीआई इन्फेक्शन में भी अच्छा काम करती है। तो जिनको वीर्य संबंधी दिखते हैं, वीर्य का पतलापन है, उसमें ये बहुत अच्छा लाभ देती है। दोस्तों, जिन मेरे दोस्तों को स्वपन दोष और दांत की शिकायत है, अगर वीर्य शोधन चूर्ण के साथ इसको मिलाकर लिया जाए, 100 ग्राम वीर्य शोधन चूर्ण, 10 ग्राम स्वर्ण बंग, 10 ग्राम मुक्ता शुक्ति पिष्टी और 5 ग्राम इसमें त्रिभंग भस्म डाल के सुबह शाम आधा आधा चम्मच दूध के साथ लेना है। इससे दांत और स्वपन दोष बिल्कुल ठीक होते हैं। दोस्तों, शीघ्र पतन के लिए इसको अश्वगंधा, अकरकरा, त्रिभंग भस्म के साथ मिलाकर शहद या मलाई से चाट के ऊपर से दूध पिया जाए तो बहुत अच्छे रिजल्ट देती है। हम बहुत सी सेक्स संबंधित जो भी नुस्खे बनाते हैं, जो भी हम मेडिसिन बनाते हैं, उनमें इसका काफ़ी इस्तेमाल करते हैं। गोली का रंग रूप गोल्डन बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसको गोली के ऊपर चढ़ा के तो गोलियों को गोल्डन शेप दी जाती है, तो देखने भी अच्छी लगती हैं और वीर्य विकारों में अच्छा लाभ देती हैं। तो दोस्तों, ये है त्रिभंग भस्म, तो इसका इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। किसी वैद्य से अपने बारे में पूरी सलाह मशवरा करके इसका इस्तेमाल ज़रूर करें। ये आयुर्वेद की बहुत ही प्रसिद्ध औषधि है, इसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे हैं। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है, ऐसी और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल की वीडियो देखें। वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।